नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक लिप्स के बारे में, यानी होठ काले जो पड़ जाते हैं, वो क्यों पड़ते हैं, उसके कारणों के बारे में, साथ ही साथ उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे स्किन में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं, एक विशेष प्रकार की सेल्स होती है, जिनको मेलेनोसाइट्स बोला जाता है। ये मेलेनोसाइट्स डिसाइड करती है कि हमारे स्किन का जो कलर है वो कैसा होगा, चमड़ी का रंग कैसा होगा, यह काला होगा, गोरा होगा, विटिस होगा, गेहुआ होगा, किस प्रकार का कलर होगा। ये सारा जो है खेल मेलेनोसाइट्स का होता है। ये मेलेनोसाइट्स जितनी ज्यादा मात्रा में पिगमेंटेशन यानी कि मेलानिन बनाते हैं, उतना ही ज्यादा स्किन का कलर डार्क होगा। जितना कम बनाएंगी उतना वहां पर स्किन का कलर फेयर या फिर गोरा होगा। उसी तरह हमारे जो होठ होते हैं, यह भी शरीर का स्किन का हिस्सा है। इसके ऊपर विशेष प्रकार की सेल्यूलर लेयर पाई जाती है और यह सेल्यूलर जो लेयर होती है बहुत ही पतली होती है, बहुत ही थिन होती है। इस वजह से हमारे होठों का कलर हल्का गुलाबी सा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है कि इसकी अंडरनीथ में, इसके नीचे जो है ब्लड वेसल्स होते हैं, और जब ब्लड वेसल्स में ब्लड जो चलता है वो लाल कलर का होता है, और जब स्किन के कलर से यह मिक्स हो जाता है तो हल्का सा पिंकिश यानी कि गुलाबी रंग देता है। तो होठ आपने देखे होंगे जिनके गुलाबी होते हैं, उनका मेलानिन पिगमेंटेशन वहां पर नॉर्मल या फिर नॉर्मल से कम होता है। अगर मेलानिन पिगमेंटेशन ज्यादा मात्रा में बनने लगेगा तो होठों का कलर भी ब्लैक होगा, डार्क होगा और भद्दा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको खराब लगेगा। तो आपको चिंता हो जाएगी, आप उसके लिए इधर उधर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ट्राई करेंगे और ऐसा करने से आपके लिप्स जो है और ज्यादा खराब होंगे। आइए अब बात करते हैं कारणों के बारे में, यानी कॉजेज क्या क्या है, किन कारणों की वजह से लिप्स ब्लैक हो जाते हैं या काले पड़ जाते हैं। ऐसा सबसे जो कॉमन कॉज है वो है स्मोकिंग। ऐसे मरीज जो स्मोकिंग करते हैं या ऐसे पेशेंट्स जिनको की स्मोकिंग की हैबिट है, सिगरेट, बीड़ी, इस प्रकार के धूम्रपान करने की आदत है, तो वो इसकी वजह से होठों का कलर जो है काला पड़ जाता है और ज़्यादा इस्तेमाल करने से होठ काले और ख़राब दिखाई देते हैं। ऐसे मरीज जो कि खूब ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिंस लेते हैं या रूटीन में ऐसी मेडिसिंस है कि वो उनको रेगुलरली यूज़ करना पड़ता है, दिन में 3-4 बार दवाएं अलग अलग लेते हैं, तो ज़्यादा मेडिकेशन की वजह से भी पेशेंट के होठ काले पड़ जाते हैं। पेशेंट जिनको एनीमिया है यानी कि खून की कमी है, तो भी होठों का काला पड़ना बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है, स्वाभाविक है। ऐसे मरीज या ऐसे पेशेंट्स जो कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज करते हैं, ऐसी महिलाएं जो कि लिपस्टिक का प्रयोग करती है, तो कई लिपस्टिक्स इस प्रकार की होती है, केमिकल बेस्ड होती है, कि उनकी वजह से होठों का कलर काला पड़ जाता है, खराब हो जाता है। कई ऐसे भी पेशेंट होते हैं जिनको होठ फटने की समस्या, जिनके लिप्स बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहते हैं या चिलाइटिस की कंडीशन है, तो ऐसी कंडीशन में भी होठ बार बार पिकिंग की वजह से खराब हो जाते हैं और काले पड़ने लगते हैं। इसके अलावा कई सारे और भी कारण हैं, जैसे कि मरीज अगर कोई चाय, कॉफ़ी या गर्म पेय पदार्थ ज़्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से भी होठ काले पड़ने की संभावनाएं रहती है, या ऐसे मरीज जिनको मेलेज्मा यानी कि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, जिनको ऑलरेडी स्किन में दूसरी जगह पर भी पिगमेंटेशन ज़्यादा होता है, पिगमेंटेशन ज़्यादा बनता है, उसकी वजह से स्किन का कलर डार्क हो रहा है, तो होठों का कलर होना भी नॉर्मल है और ऐसा होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें, क्या होम्योपैथिक दवाएं लें, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि मैनेज कैसे करना है, यानी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं कि आपका, आपके जो होठ है वो काले ना पड़े या काले पड़ चुके हैं, तो उसको किस प्रकार से रिवर्स किया जा सकता है। अगर आपके होठ फटते ज़्यादा हैं तो आप वैसलिन का प्रयोग ज़रूर करें। दिन में 4-5 बार आप वैसलिन ज़रूर लगाएं, जिससे आपके होठ कम फटेंगे और होठों का जो टेक्सचर है वो बढ़िया रहेगा, साथ ही साथ होठों की जो स्किन है वो सॉफ्ट और नरम बनी रहेगी, जिससे आपके होठ काले पड़ने की जो टेंडेंसी है वो कम होगी। ऐसे मरीज जो कि स्मोकिंग करते हैं, स्मोक ज़्यादा करते हैं, तो उनको धीरे धीरे स्मोकिंग को विड्रॉ करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, और ऐसा करने से
उनके होंठ नेचुरली वापस अपने कलर में आ जाएंगे। इसके अलावा किसी प्रकार की कोई समस्या है और उसकी वजह से आपके होंठ काले पड़ रहे हैं तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा लेना पड़ेगा। होम्योपैथी में खूब सारी मेडिसिन उपलब्ध है जो कि आपको इस प्रकार की समस्या में मदद कर सकती है। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है बर्बरिस एक्वाफोलियम 30। यह एक डाइल्यूशन है। इस दवा का आपको 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार उपयोग में लेना है। यह दवा आपको अंदर से सुधार देगी, अंदर से आपकी कोशिकाओं को नॉर्मलाइज करेगी। यह दवा स्किन पर किसी भी प्रकार का पिगमेंटेशन, चाहे वो होठों पर हो, चाहे चेहरे पे हो या स्किन के किसी भी एरिया में हो, उस पिगमेंटेशन को यह नॉर्मलाइज करती है, पिगमेंट सेल्स को ठीक करती है, जिससे कि पिगमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में ना बनकर जो नॉर्मली बनना चाहिए उतना ही बने। दूसरी जो दवा है वो है अर्निका मोंटाना 30। अर्निका मोंटाना 30 किसी भी प्रकार के ब्लड के कंजेशन को ठीक करती है, रिलीव करती है, और कहीं पर अगर खून जमा हो रहा है और उसकी वजह से पिगमेंटेशन हो रहा है तो उस एरिया का सर्कुलेशन बढ़ाकर उस पिगमेंटेशन को रिलीज करती है, तो अर्निका मेडिसिन भी आपको मदद कर सकती है। अर्निका 30 का आपको 2 बूंद सुबह और 2 बूंद शाम को दिन में 2 बार उपयोग में लेना है। तीसरी जो दवा है वो लगाने की दवा है, लेकिन ये एक टिंचर फॉर्म में है तो इसको आप सीधा नहीं लगा सकते। इस दवा का नाम है बर्बरिस एक्वाफोलियम क्यू। बर्बरिस एक्वाफोलियम क्यू का आपको करीब 20 से 25 बूंदें ले लेना है और उतनी ही बराबर मात्रा में आपको ग्लिसरीन ले लेना है, और इन दोनों चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स करके अपने खराब होठों पर, अपने ब्लैक पड़ गए होठों पर लगाना है। दिन में 2 से 3 बार आप इस मिक्सर को अप्लाई करेंगे, लगाएंगे। ऐसा करने से आपके होठों का जो कलर है वो धीरे धीरे डे बाई डे इम्प्रूव होता रहेगा, नॉर्मल हो जाएगा। इन तीनों मेडिसिन का आपको कम से कम 3 से 4 महीने उपयोग करना है, और इतना लंबे समय तक उपयोग करने से आपको इस प्रकार की जो डार्क लिप्स की समस्या आ रही है या ब्लैक लिप्स की समस्या आ रही है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। मेरे द्वारा दी गई यह डार्क लिप्स के बारे में या ब्लैक लिप्स के बारे में जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।